आपको बताते हैं पुतिन से जुड़ी भविष्यवाणी करने वाली बाबा वेंगा की पूरी कहानी। कौन है बाबा वेंगा? बाबा वेंगा बुल्गारिया की रहने वाली थी, जिन्होंने 12 साल की उम्र में अपनी आंखें गंवा दी थी, लेकिन कहते हैं कि उनके पास भविष्य देखने की स्पेशल पावर थी। क्या है उनकी पुतिन पर की गई भविष्यवाणी? कहते हैं कि बाबा वेंगा ने जो भविष्यवाणियां की थी उनमें एक में उन्होंने कहा था कि एक वक्त आएगा जब रूस और पुतिन को कोई रोक नहीं पाएगा। क्यों हो रही है बाबा वेंगा की भविष्यवाणी की चर्चा? इसका जवाब है पुतिन का यूक्रेन के 4 इलाकों का रूस में विलय का ऐलान, क्योंकि माना जा रहा है कि पुतिन का यह कदम बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच कर सकता है। कब की थी बाबा वेंगा ने पुतिन पर भविष्यवाणी? दावा किया जाता है कि बाबा वेंगा ने अपनी मौत यानी 1996 से पहले कई हजार साल तक की भविष्यवाणी कर दी थी, जिनमें पुतिन के दुनिया पर राज करने वाली भविष्यवाणी शामिल है। कहां सच हुई बाबा वेंगा की भविष्यवाणी? दावा किया गया कि बाबा वेंगा ने अमेरिका पर 9/11 अटैक, सोवियत संघ के टूटने, 2004 में थाईलैंड में सुनामी आने, दुनिया पर कोरोना का कहर बरपने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। कैसे हुआ दुनिया को बाबा वेंगा की बातों पर भरोसा? यूक्रेन पर रूस के हमले और नेटो का नाकाम होना, इन बातों की वजह से कहा जाने लगा कि बाबा वेंगा की कही बातें सच साबित हो सकती हैं।